तो ही गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, भाई आपका भाई शिवम तिवारी स्वागत करता है अपने इस नए वीडियो में और अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं टाटा नैनो का एक हिडन फीचर जो कि अभी भाई कोई नहीं जानता है। हाँ जी, जैसे कि आपने थंबनेल में देखी होगा कि मैं बताने जा रहा हूँ कि टाटा नैनो में भी एयरबैग होता है, तो उसी फीचर्स को मैं आज रिवील करने वाला हूँ टाटा नैनो का, कि टाटा नैनो में भी आप सेफ्टी फील कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप टाटा नैनो में भी सेफ्टी फील कर सकते हैं। टाटा नैनो एक ऐसी कार है, इसमें भी आपको एयरबैग जैसी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन ये देखिए, इंजीनियरिंग का ये एक बहुत बड़ा मार्वल है टाटा नैनो, ये तो आप जानते ही जानते हैं। तो इसलिए इसमें एक ऐसा फीचर दिया गया है जो टाटा नैनो को बहुत ही मतलब जानदार बनाता है। तो दोस्तों, दिखाते हैं आपको इस टाटा नैनो के फीचर्स को और दिखाते हैं आपके सारी डिटेलिंग में उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो में अगर आप नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो। और भाई, पुराने जो लोग हैं, लाइक तो कर ही देना यार, और दोस्तों में शेयर करो, भाई को सपोर्ट करो। भाई जब आगे बढ़ेगा तभी तो भाई अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएगा। तो दोस्तों, बताते हैं आपको इस नए फीचर्स के बारे में, दिखाते हैं आपको सारी डिटेल में जान। तो दोस्तों, यो खड़ी है अपनी टाटा नैनो और अभी हम आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स के बारे में। एक आपको पहले इसका चक्कर लगवा दें कि देखो भाई, टाटा नैनो कैसी लग रही है। टाटा नैनो देखो, खड़ी होती है ना जब हरियाली में, तो भाई एक नंबर गाड़ी लगती है, मतलब मज़ा आ जाता है गाड़ी को देख के। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको हम इस टाटा नैनो के हेडर फीचर्स के बारे में। तो उसके लिए मैं जो अपने गाड़ी का खोलना पड़ेगा बोनट, जो कि यहाँ पे मिलेगा। ये मैंने खोला बोनट और चलो ले चलते हैं। तो भाई, इसी बोनट में छुपा है वो खजाना, खजाने वाला राज, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब मैं रिवील कर रहा हूँ उस फीचर्स को, ठीक है, जो कि टाटा नैनो में एयरबैग का काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टाटा नैनो की आगे का पोर्शन है, इसमें स्टेपनी वगैरह रखी जाती है। इसमें हालांकि कुछ ज़्यादा रख नहीं सकते, एक स्पेस दिया गया था टाटा ने। तो भाई, इसी स्पेस में छिपा है वो टाटा नैनो का हिडन फीचर्स। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि टाटा नैनो को जो कि सेफ्टी के मामले में 0 रेटिंग दी गई थी भाई, लेकिन मैं चेंज लेके बोलता हूँ, ये गाड़ी अच्छे अच्छे गाड़ियों के कान को खाड़ देगी। तो दोस्तों, ये है इसका हिडन फीचर। देखो, अगर आप देख पा रहे, ये देखो, ये इसका जो लोहा है ना, इसकी ये बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत ही मजबूत बनाई गई है। अगर कोई गाड़ी टक्कर मारती है तो सबसे पहले इस गाड़ी में यहाँ टच होगा और इस लोहे से गाड़ी ये टकराएगी। तो भाई, गाड़ी टकराएगी, लेकिन गाड़ी सारा का सारा जो लोहा है यहाँ पे दिया गया, टाटा ने पूरा भर भर के लोहा इसमें दिया है। तो भाई, ये टाटा नैनो का ये लोहा है, जल्दी बेंड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके जो मेन फीचर्स है उसके बारे में। तो भाई, इसका जो मेन फीचर है ना, ये देखो, स्टेपनी दी गई है। सब लोग सोचते हैं भाई कि स्टेपनी और भी कहीं दे सकते थे, लेकिन ये स्टेपनी देने का यहाँ पे बहुत तंगड़ा वाला रीज़न है भाई। इसका रीज़न ये है कि भाई, ये जो टाटा नैनो का जी देगा, जैसे मान लो किसी गाड़ी, ये गाड़ी अपनी आती है और आगे से इसमें कोई टक्कर मार देती है इसमें गाड़ी, तो क्या होगा, ये गाड़ी का ये जो लोहा है, ये लोहा जाके टकराएगा इसमें स्टेपनी में, ठीक है। जैसे ही ये लोहा स्टेपनी में टकराएगा तो ये रबड़ है और ये, इससे क्या होगा कि ये वापसी मारेगा ऐसे। तो जैसे एयरबैग खुलते हैं ना, ऐसे ही इससे टकराएगा और जैसे एयरबैग खुलते हैं ना, उसी तरीके से ये काम करता है। जैसे ही इससे ये लोहा आके इसमें टकराएगा तो इससे वापसी मारेगा, तो क्या होगा कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, ये अंदर नहीं जाएगा, मतलब गाड़ी के अंदर नहीं धंसेगा। तो क्या होगा कि इसे स्टेपनी के लगने से, यहाँ पे स्टेपनी जो लगी है, इससे गाड़ी अपनी पूरी चोट होगी वो स्टेपनी ले लेगी भाई। यहाँ से जैसी चोट लगेगी तो यहाँ से इधर को फेंकेगी गाड़ी, मतलब बाहर को फेंक देगी, जो भी लोहा होगा इससे रबड़ से ऐसे टकरा के गाड़ी एकदम से रिवर्स हो जाएगी। तो भाई, ये इसका हिडन फीचर है, यही काम करता है टाटा नैनो का एयरबैग की तरह। तो दोस्तों, ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में भाई एक नंबर गाड़ी है, ठीक है। मैं तो चला रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई इस गाड़ी को चलाने में, और इस गाड़ी में कभी भी मुझे कोई खरोंच नहीं आई आज तक मैं चला रहा हूँ। तो दोस्तों, ये इसका टाटा नैनो का एयरबैग है। जैसे ही इसमें गाड़ी ऐसे टकराएगी और ये लोहा अंदर को जाएगा और ये प्रेशर से इसको बाहर फेंक देगी स्टेपनी, रबड़ तो वैसे ही फेंक देती है ना। तो इस तरीके से ये इस टाटा नैनो का एयरबैग है भाई, ये स्टेपनी टाटा नैनो की एयरबैग है। तो दोस्तों, ये है इस गाड़ी का हिडन फीचर, ठीक है। देखो, ये इंजीनियरिंग का मार्वल है भाई, ये सभी जानते हैं, है ना। इसीलिए इसको स्टेपनी को यहाँ पे रखने के लिए बनाया गया भाई। स्टेपनी और भी कहीं रख सकती थी ना, पीछे भी रखी जा सकती थी और गाड़ी के जो पीछे का हिस्सा है उसमें भी टांगी जा सकती थी, लेकिन ये यहाँ पर क्यों रखी गई,
ये यहाँ पे इसलिए रखी गई क्योंकि ये टाटा नैनो का है, यही टाटा नैनो का एयरबैग है, इससे अच्छा एयरबैग कोई भी गाड़ी में भी नहीं है भाई। तो प्लीज़ आप यहाँ तक अगर आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ ये वीडियो कैसी लगी आपको। ये तो भाई लोग बताओ इस गाड़ी का आपको कैसा लगा, इस गाड़ी का ये जो फीचर है ये आपको कैसा लगा, और इस टाटा नैनो की सेफ्टी के रेटिंग में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो टाटा नैनो का फीचर मैंने बताया ये वाकई में कामगार है कि नहीं है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये भाई ये गाड़ी का जो मैंने टाटा नैनो का ये फीचर बताया है ये कैसा फीचर है, ठीक है। जो टाटा नैनो यूजर हैं भाई वो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं टाटा नैनो यूजर हूँ और इस गाड़ी के फीचर्स का मैंने लाभ उठाया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ फोड़ डालो, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, चाहे कबड्डी खेलो चाहे उससे तांडव नृत्य करो, ठीक है। लेकिन भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, आपका भाई बहुत खुश हो जाएगा अगर ये सब्सक्राइब हो जाएगा तो। तो दोस्तों चलो लेते हैं अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो सभी को राम राम, सलाम, नमस्ते, जय हिंद।